हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी ट्यूशन नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि आपने बैग देखी होगा और ये मेरे हेडफोन्स में साथ ही उठा लाया है। और बस अभी हम मॉम के पास जा रहे हैं ड्यूटी पर उनके साथ ही, क्योंकि आज उनकी ड्यूटी है। तो मॉम कहते हैं यहाँ पे आकर पढ़ लो, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। और तो चलो अभी वहाँ से जाता हूँ। एंड जो मैंने आपको सभी बात बाकी बाद में आपको सभी बाकी सारी बातें आपको बाद में बताऊंगा। अभी बस फिलहाल पढ़कर आपको मिलता हूँ जब घर पर जाने लगे। बहुत सारी बातें बतानी है। एंड हैरी के न्यू हेडफोन्स आ चुके हैं, ये देखो। इनका भी मैं आपको रिव्यू बाद में दिखा दूंगा। तो चलो अभी मैं आपको बाद में मिलता हूँ जब घर पर आने लगे। चलो सो गाइज, अभी शाम हो चुकी है एंड मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, जो कि अभी मैं कह के हटा था सुबह सुबह। और आज हमें वैसे पहली बात यह कि हमें ट्यूशन से छुट्टी थी और बस अभी थोड़े से काम बाकी। आप मैं अभी डैड को कह रहा हूँ कि आप मिट्टी ले आओ मीन्स के किसी के खेत से, जहाँ पे नहीं अभी मीन्स के उन्होंने झोना नहीं लगाया जो भी कुछ कह लो। और तो फिर डैड कहते अभी नहीं जा सकती। वैसे मैंने कहता हूँ भैया जाना मीन्स के कल टाइम नहीं लगा, फिर कल उन्होंने भी ड्यूटी जाना, तो इसलिए आज छुट्टियाँ तो ले आते हैं। और तो बाकी मेरी सभी भी लिस्ट पड़ी है इतने सारे कामों की, ये करने वाले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या करने पड़ा है। देखो, एक तो जो लेमन साइप्रस है जो खाली पॉट में रखा, उसमें मिट्टी भरनी है। एंड उसके साथ में कोई प्लास्टिक वाला पॉट है, उसमें मैंने जो पिपल है हमारे, वो आपको घर पर जाकर दिखा दूंगा शायद। और तो वो उसे मैं नीचे से काट कर उसका बोनसाई बनाना है, तो वो लेमन साइप्रस वाले पॉट में डालना है। और जिसमें पिपल था वो बड़ा वाला पॉट है, वो उसमें एक छोटा सा बेरी वाला प्लांट लगा हुआ है कोई, तो उसे निकाल कर जो छोटा वाला जो ऊपर वाले रूम में अरीका पाम पड़ा है, उस वो वाला प्लांट उसमें डालना है। और अरीका को वो बड़े वाले में डालना है ताकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और वो फीकस की एयरलाइनिंग फिर से रह जाएगी, क्योंकि अभी मेरे साथ कोई वो मिट्टी नहीं लेकर आ रहे। एंड और अजवाइन का भी पौधा बड़े वाले पॉट में डालना है, तो बस यही काम है। तो शायद और मैं बताना भूल जाऊँ, तो बस ये करना है। तो चलो अभी मैं आपको शायद घर पर जाकर वो पहले फिकस दिखाता हूँ। और बाकी जो हमारा बोनसाई लगाया था मैंने वो सकलेंट वाले में पॉट में, वो अभी भी हरा, मैंने ऐसे अपने नेल से खुर्च कर देखा है, तो अभी हरा है मीन्स के थोड़ा सा होगा उसे। बाकी जो मैं आपको कल के व्लॉग में बताया कि डैड कल शायद ले आएंगे रूट हार्मोन पाउडर और फंगीसाइड, तो उसमें से देख लेंगे। और तो बस अब आपको यही बताना था। तो बाकी काम मेरा थोड़ा सा रह गया, मैं रात को कंप्लीट करके उसे कट कर दूंगा वहाँ से। यहाँ फ़ोन पे मैंने विजिट ऐड किया हुआ है उसका, मीन टू डू लिस्ट बनाई, उससे कट कर दूंगा। एंड बाकी पता नहीं होंगे या नहीं। तो पहले मैं आपको प्लांट बता फीकस दिखा देता हूँ, मैं इसकी पीपल का पेड़ दिखा देता हूँ जिसका बोनसाई बनाना है। तो गाइस, ये वाला है वो प्लांट जिसका बोनसाई बनाऊंगा, ये कुछ इतने हाइट का है। और बस इसके पता क्या करना है, ये देखो यहाँ पे भी एक छोटी स्टेम आ चुकी है इसकी, इसे यहाँ से कट करना है। और ये देखो यहाँ से इसे कट कर देना है, इसके ऊपर वाला हिस्सा वेस्ट है सिर्फ। और यहाँ से बोनसाई बनना फिर शुरू हो जाएगा, मैं आपको जैसे जैसे उतर जाएगा फिर आपको बता दूंगा। एंड एक यहाँ पे भी लगा है, ये देखो एक यहाँ पे, इसे मैं ऐसा होने दूंगा, फिर इसका भी बोनसाई बनाएंगे। और ये देखो इस पर छोटी छोटी बेरीज आती हैं, जब लगेगी आपको दिखा दूंगा। एंड एक ही लगी थी, ये देखो इसके नीचे लगती है बेरी, कहाँ पर पत्ता आ रहा है आगे यार, ये देखो इसके नीचे, ये जो कौली सी बनी है इसके नीचे लगती है। एक लगी थी वो मैं खा गया, तो बहुत अच्छी थी, खा गया तो ऐसे कह रही जैसे बहुत लगी थी, वैसे अच्छी थी, टेस्टी थी, एक ही लगी है। बट इसे हम निकाल के जो अरीका पाम वाला पॉट है उसमें लगाएंगे। एंड ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें अरीका पाम लगाएंगे जो हमारे ऊपर वाले रूम, ऊपर कह रहा हूँ ऊपर वाले रूम में पड़ा है। तो बस मैं आपको ये बताना था, बाकी देखते हैं कि काम होता है हमारा या नहीं। इस तो मैंने आपको एक और बात बताई थी, ये देखो ये हमारा जो कि सदाबहार प्लांट है और इसे पेरीविंकल कहते हैं, तो इसकी भी पोजीशन मैंने चेंज करनी है, क्योंकि इसमें मैंने ये लगा रखा है बट अब तो ये पूरा वहाँ पे खड़ा हो चुका है। ये देखो अभी भी हो रहा है कि ये ऐसे था पूरा टेढ़ा पहले। और अगर आपके भी ऐसे हुआ पड़ा तो आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये वाला बॉटल वाला प्लांट इसके साथ में लगा दिया, क्योंकि थोड़ा सा वेट है एंड इसको इधर नहीं वो झुकने देगा, एंड ये इसकी पोजीशन फिर से चेंज हो जाएगी। एंड मैंने आज ही सुबह ये देखा था कि जिस दिन वो लगा इन्हें सीधा किया था ऐसे लगाकर, आज सुबह नहीं, और ये प्लांट ऐसे थे बिल्कुल। एंड अभी ये ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, मीन्स की इसकी पोजीशन कुछ ऐसे ही हो जाएगी। तो बस आपको ये बताना था, अगर आपके भी ऐसे तो आप भी ठीक कर सकते हैं। तो एक और बात है, मैं आपको उधर जाकर बताता हूँ, इस वाली साइड आ जाऊँगी जहाँ पे मेन गेट है, वो दूसरी साइड हमारे घर की। तो ये देखो यहाँ पे भी एक सदाबहार लगा हुआ है, इसकी साइज़ कुछ इतना सा है। तो इसे मैं अलग पॉट में लगाकर इसे भी पॉट में लगाना, जो उस दिन न्यू लेके आए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो बस ये इसे भी चेंज करना, ये भी एक काम में था मेरे। और उस दिन कह रहा हूँ उधर ही साइड में रेडियो बंद करके आया हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्री करनी, तो इसलिए अब मैं रेडियो ऑन करता हूँ। लग रहा है कि मैं डिपार्टमेंट वालों जड़ा है गए, मौका मिल रहा है गए। गाइज वो देखो जिस पीपल का बोनसा बना था उस पर ये कीड़ा बैठा है, ये देखो। एंड इसे मैं टच नहीं करूँगा, तंग नहीं करूँगा, ये देखो हिल रहा थोड़ा थोड़ा।
और मैं आपको एक इसे पूरा अच्छे से अंदर से मीन्स की अंदर से नहीं मीन्स की पूरा पास से जाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखो पूरा पास से व्यू है इसका, और मैं इसे तंग नहीं कर रहा अभी, तो आप देख सकते हैं कैसा है। तो अभी बस बाहर जाता हूँ कैमरा, क्योंकि फिर से ब्लर मार रहा है एंड फिर से फोकस ले लिया। तो ये ऊपर वाले पत्ते पे जा रहा है जो कि इधरली साइड पे दिखाता हूँ, ये देखो इधर है थोड़ा सा। और तो बस अभी आपको बाहर जाकर मिलता हूँ, कुछ बात भी बतानी है। फिर से बाहर आ चुका हूँ और जो मैंने आपको बात जो बतानी है वो ये है कि जो आपको पिछली शायद वेट एक तो ये क्लिप थी वो मैंने आपको इंसेक्ट दिखाया था है ना पिछली, और उससे पिछली क्लिप में देखा होगा मैं एक दो पॉट्स हैं जो कि मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, वो पॉट्स न्यू लेकर आए हैं एंड एक पॉट जो इसमें लेमन साइप्रस पर है वो न्यू लेकर आए हैं, वो तो लेमन साइप्रस के लिए लेकर आए, ये दो पॉट एक्स्ट्रा है। और एक में अजवाइन लगाएंगे, एक में लगाएंगे जेड या फिर सदाबहार लगाएंगे, वो मैं देख लूँगा आपको भी बता दूँगा फिर, और मैं इसकी बता भी दूँगा दिखा भी दूँगा दोनों कर देंगे। और एक मैंने और बात बतानी है कि जो सरप्राइज़ था जो कि आज भी मिला था वो मैं आज नहीं करूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इतनी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे और भी सारे काम करने हैं ना, तो वैसे वैसे दिखाऊंगा। काम वही है जो कि आपको बोन से वगैरह करना है जो मैं आपको अभी पहले बता ही चुका हूँ, एंड शायद मैं होप करता हूँ कि आपने भी वो जो आइडिया ट्राई कर लिया होगा अभी विजेट ऐड करके अपना वो नोट्स वाला, तो उसमें कर मीन्स विजेट ऐड करके अपनी टू डू लिस्ट बना लेना, तो उससे अच्छा हो जाता है सर का। मैंने आज जैसे आपको वो उसमें से पूरा याद करके वो याद तो हो जाता है जैसे एक बार लिखते हैं, और फिर मैंने आपको बताया तो मैं कह रहा था कि वो सरप्राइज़ पड़ा है क्योंकि टाइम नहीं है। और वो गैस करो आप क्या हो सकता है, वैसे एक लैंप टाइप है कुछ, और तो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगा जब भी टाइम लगा पूरा अच्छे से रिव्यू करूंगा, फिर ऐसे तो फ़ायदा नहीं। और हैरी के हेडफोन्स भी बता दूंगा, वैसे हेडफोन्स आपको पता ही होगा यार कैसे होते हैं, वायरलेस हैं, नेक बैंड वाले हैं, मीन नेक बैंड वाले नेक बैंड है ठीक है, नेक बैंड वाले कह रहे हैं मीन्स की। और तो बस आपको यही बताना था एंड अभी मैं चलते चलते किधर आ चुका हूँ, फिर सूर्य भाई साइड चलते हैं, तो बस यही बताना था एंड बाकी देखते हैं अमरिंदर से भी आपको मिलवाता हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं नर्सरी में हूँ एंड सुहंजना के भी मैंने लगाए थे एंड वो हो चुके हैं, एंड ये तो अभी छोटा सा है एंड इसमें थोड़े से छोटे छोटे पत्ते आ चुके हैं, एंड ये देख लो आप छापे पड़ने, ये बड़े बड़े पत्ते हैं पत्थर चट के जो कि मैंने इससे ट्रिम कर थे क्योंकि वो बहुत बड़े हो गए तो मैंने निकाल दिए, अभी कुछ ऐसा लग रहा है। तो करना क्या था कि यहाँ पे पत्ते लगा रही है ना, इसके यहाँ से जो पत्ते का वो होता है इसकी साइड वाले वहाँ से वो ग्रो हो जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया होगा तो तीन पत्ते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो जब उगेंगे तब आपको मैं दिखा दूँगा। और बाकी तो इस गमले में भी सोचने हैं एंड ये शायद वो जो पौधा है वो सूख चुका है, पर देखते हैं इसे तीन चार दिन तो निकाल देंगे फिर। सो गाइस अभी शाम हो चुकी है एंड मैं नहा ली हूँ एंड सॉरी मैंने वो प्लांट्स नहीं लगाए क्योंकि डैड ने कहा था कि मिट्टी आज लेंगे, बट वो उनका टाइम नहीं लगा, तो शायद अगले संडे करूँगा क्योंकि टाइम नहीं मिलता फिर। तो आज मैंने एक नया और नया काम मीन्स की टाइम टेबल में मीन्स की अपडेशन किया है कि पूरा शायद 8:30 बजे सो जाया करेंगे और सुबह जल्दी उठकर फिर वीडियो एडिट करूँ, क्योंकि फिर आपने देखा ये पिछले कम से कम 10 व्लॉग्स तो पूरे टाइम पर आए नहीं ना होंगे, तो उसके लिए सॉरी प्लीज़। और तो बस अभी हैरी मेरे साथ बैठा ये देखो एंड बस और मुझे कुछ नहीं बताना एंड वो मेरे आगे ही बड़ा सरप्राइज़, बट मैं आपको कल के ब्लॉग में पूरी अच्छी तरह रिव्यू करके दिखाऊँगा। तो आप बस ये बताना था आपको एंड वो रात को भी बहुत अच्छे लगते हैं, उसके सिनेमैटिक्स में आपको दिखाऊंगा, तो वो मीन्स की चलता भी है जैसे मैं आपको बता कुछ लैंप टाइप्स है। तो अभी मैं बस व्लॉग एंड करता हूँ और टाइम भी बताता हूँ कि टाइम हो रहा 7:45, तो मैं खाना खाकर 8:30 बजे सो जाऊँगा जो कि अपने रूटीन्स फॉलो कर जैसे आपको बताया था कि ब्रश पहले ब्रश करना है, फिर आँखों में पानी डालना है और फिर क्या क्या करना था जो कि पैर धोना है, फिर उनकी मालिश करनी है मस्टर्ड ऑयल से, और जो भी फिर बुक रीडिंग की ओर से मीन्स की उसकी तरफ से मैं पढ़ ही लेता हूँ, जो भी मेरा काम थोड़ा बहुत पड़ा होता है मैं पढ़ लूँगा। एंड आज लिटरली बस 3-4 काम ही जो टू डू लिस्ट में मेरे मीन्स लिखे थे वो हो चुके वही हुए हैं, बाकी सभी पढ़े हैं एंड जो मेरा पेंडिंग वर्क है मीन्स की स्कूल वाला थोड़ा सा मीन्स की एक दिन का वो भी अभी पढ़ा है, तो इसलिए वो भी मैंने करना है अभी। तो मैं अभी शायद जब बुक रीडिंग और कुछ लिखना होता है उसी में अब कंप्लीट करूँगा, उस पर टिक लगा कर भी सोऊंगा, तो बाकी देखते हैं होता है नहीं। तो बाकी अभी एसी की आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि एसी की आवाज़ नहीं इतनी, बट अभी अभी इसका कंप्रेसर ऑन हुआ है बाहर से, तो बस ब्लॉग एंड करता हूँ मैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कलता होगा मेरे मुँह से निकल गया, तो सॉरी मीन्स की कल तक। और ऊपर जो मैंने कहा था कि जो बाहर आपको गमला का रिव्यू दे रहा था ना, भी गमले का कोई कुछ बोल रहा था, मैं शायद फिकस का कुछ कर रहा था, तो वह भी कह रहे थे ऊपर देखो, आपने देखा ही होगा ऊपर जब मैं कह रहा था नहीं नहीं ऊपर है। तो अभी मैं फिर से ब्लॉग एंड करने की कोशिश करता हूँ, मीन्स कब तो हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करता कलता फिर कलता ही निकल रहा है मैं क्या करूँ, चल दोबारा से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। इस बार सही बोला था, चलो बाय।